पंजाब असेंबली सैनेट का जमीनी इंतखाब पीटीआई ने दोनों नशिस्तें जीत ली। तहरीक इंसाफ के वलीद इकबाल और सीएसडी सैनेटर मुंतखब हो गए। वलीद इकबाल 184 वोट, सऊद मजीद 176, 7 वोट मुस्तरद। सीएसडी 183 वोट लेकर कामयाब। उनके मद मुकाबिल सायरा अफजल तारड़ को 175 वोट मिले। वेमन नशिस्त पर 9 वोट मुस्तरद करा। हमने हरीफों को वक्त डाल दिया। नामसाइद हालात के बावजूद पार्टी मुत्तहिद रही। मौजूदा हुकूमत की कोई रिट नहीं, लोगों के दिलों में घर नहीं कर सकी। नून लीग की उम्मीदवार सायरा अफजल तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। मुझे 176 वोट मिले, 3 मुस्तरद हुए। अरकान ने 6 जायद वोट दिए। बाजमीर अरकान ने तहरीक इंसाफ पर अदम एतमाद कर दिया। नून लीग उम्मीदवार सऊद मजीद, खुदा का खौफ करें आप। ये स्पीकर साहब के अपना इंस्ट्रक्शन पे आप ये काम कर रहे हैं। आज सेनेट इलेक्शन है, कोई लिस्ट की बात नहीं है। सेनेट इलेक्शन लीगी अरकान की असेंबली सिक्योरिटी गार्ड से झड़प। हमजा शहबाज गेट पर स्टाफ को रोके जाने पर बरहम। सिक्योरिटी गार्ड से तल कलामी। स्पीकर के कहने पर हमारे मुअज्जिज़ अरकान को धक्के दिए गए। हमजा शहबाज ने सिक्योरिटी गार्ड को पीछे हटा दिया। हमजा के जाने के बाद लीगी अरकान सिक्योरिटी गार्ड से फिर उलझ पड़े। गार्ड्स ने मरकजी गेट बंद कर दिया। लीगी अरकान ने वॉक थ्रू गेट हटा दिया। फुटपाथ पर धरना दिया। गार्ड से तल कलामी की। किसी को रोका न, दरवाजे बंद किए। नून लीग ने अपनी मर्जी से एहतजाज किया। चौधरी परवेज इलाही। पंजाब की कारकर्दगी में सबसे बड़ा चैलेंज अगर आपको है तो वो क्या है? कोई भी चैलेंज नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है। अच्छा ये बता दीजिए, अभी ये बता दीजिए कि जो 100 दिन का प्लान है वो कहाँ तक पहुँचा है, कैसी कारकर्दगी जा रही है? उसकी प्रेजेंटेशन हम देंगे डिटेल में, तो आप सब लोगों को बुलाएंगे वहाँ पे इंशाल्लाह। हुकूमत को कोई चैलेंज दरपेश नहीं, सब कुछ ठीक है। 100 रोज पूरे होने दें, फिर बताएंगे कितने बिल पास कराए। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की लाहौर न्यूज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी के एंकर पर्सन मदिया आबिद अली से खसूसी गुफ्तगू। नैब सियासत ज़दा हो गया, या तो सबको गिरफ्तार कर ले या सबको छोड़ दे। धांधली की पिटारी से पर्दा उठेगा। हुकूमत हमें न डराए, इंतकामी कार्रवाइयों का डटकर मुकाबला करेंगे। न्याजी साहब की धौंस और धमकियां नहीं चलेंगी। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। महंगाई हुई है, कौम के सामने एतराफ करता हूँ, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। जब मुखालफिन की अपनी दुम पर पांव आता है तो बिल बिला उठते हैं। अयाशियां करके बादशाह सलामत वापस चले गए, जबकि शहजादे अब महंगाई का रोना रो रहे हैं। अब्दुल अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के अकाउंट से 36 करोड़ से जायद रकम जिले इंतजामिया के अकाउंट्स में मुंतकिल। जिले इंतजामिया ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को आगाह कर दिया। इसहाक डार की गुलबर्ग वाली कोठी पहले ही एलडीए की तहवील में है। मजहबी और सियासी जमातों का नासिर बाग से पंजाब असेंबली तक मिलियन मार्च। दीनी मदारिस और पाकिस्तान के इस्लामी तशख्स के दफा का अज़्म। खत्म नबूवत कानून पर कोई समझौता नहीं होगा। लाहौर से शुरू होने वाला मार्च मुल्क के कोने कोने तक जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर कायदीन का खिताब। मिलियन मार्च मॉल रोड पर। एनसीए के अलावा तमाम तालीमी इदारे बंद रहे। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस को भी ताले लगे रहे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पुलिस ने मॉल रोड पर तमाम दुकानें और मार्केटें बंद करा दी। मॉल रोड पर मिलियन मार्च के बाद अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव रहा। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। पैरागॉन सोसाइटी के डायरेक्टर कैसर अमीन भट्ट को एहतसाब अदालत में पेश ना किया जा सका। कैसर अमीन भट्ट राहदारी रिमांड पर हैं, बाद में अदालत में पेश किया जाएगा। नैब हुकाम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बेजाब्तगियों का मामला। साबिक डीसीओ सज्जाद भुट्टा नैब ऑफिस में पेश।
56 कंपनी स्कैंडल, पंजाब हुकूमत के अहम इजलास में बड़े फैसले। हुकूमत पंजाब का 3 अहम कंपनीज को बंद करने का फैसला। साफ पानी की 2 कंपनियां नॉर्थ और साउथ दोनों को बंद करने का फैसला कर लिया गया। रेलवे पुलिस की 2 माह में कामयाब कार्रवाइयां, 124 मटेरियल चोरों को गिरफ्तार करके कीमती सामान बरामद कर लिया। फैसलाबाद स्टेशन से मिलने वाला कीमती बैग मुसाफिर को तलाश करके वापस कर दिया गया। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन में करोड़ों रुपए अराजी वाह गुजार करवाई। रेलवे पुलिस अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब यूनिवर्सिटी रिहायशी कॉलोनी में शादी पर आने वाला 16 साल दानिया लापता बच्चा यूनिवर्सिटी ग्राउंड में खेलने गया। यूनिवर्सिटी गार्ड ने पुलिस तहवील में दे दिया, हमारे घर को खाली कराने की धमकियां दी जा रही हैं, वोरसा का इल्जाम। रोटरी क्लब की जानिब से चिड़ियाघर में खसूसी अफराद की सालगिरह की तकरीब। तकरीब में मुशीर वजीर आला पंजाब फैसल हयात जब्बाना की खसूसी शिरकत। तकरीब में 300 से जायद खसूसी अफराद की शिरकत। और लाहौर कॉलेज फॉर वेमन यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर के जेर एहतमाम सिंपोजियम, गवर्नर पंजाब के अहलिया परवीन सरवर ने इफ्तिताह किया, तलबा की कसीर तादाद में शिरकत।